नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार और आप देख रहे हैं अजय इन्फो अड्डा। दोस्तों, मैं नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि यदि आप आधार कार्ड बनवाए हैं या सुधार करवाए हैं तो आपको उसको पता नहीं पता कि क्या उसका स्टेटस है, मतलब उसका काम कितना हुआ है। पता करने के लिए आप लोग CST दुकानों पर, सहज जनसेवा केंद्रों पर दौड़ भाग लगाते हैं। तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आगे ऐसा टिप्स बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाए गए आधार का स्टेटस जान सकते हैं कि बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो किस कारण से नहीं बना है। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले खोलेंगे गूगल क्रोमो ब्राउज़र, जो मैं पहले से खोल कर रखा हुआ है। यहाँ पर हम सर्च बार में टाइप करेंगे आधार कार्ड, फिर इंटर कर देंगे। अब आधार कार्ड के बाद इंटर करने के बाद एक UID की वेबसाइट ओपन हो जाती है जिसका लिंक है UIDAI.gov.in। दोस्तों, इस पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद जो है, क्लिक करने के बाद हम आएंगे माई आधार में। माई आधार में दिखा रहा है चेक स्टेटस। अब हम चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर होगा इनरोलमेंट ID भरना है। जो आपको जो रिसिप्ट दी जाती है उसमें एक 14 अंक का इनरोलमेंट ID नंबर होता है, जो मैं भर रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कैप्चर कोड भर देंगे। हम जो कैप्चर दिखाई दे रहा है उसको भर देंगे। फिर यह चेक स्टेटस क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिख आ रहा है कांग्रेचुलेशन, योर आधार इज जनरेटेड, यानी यह आधार कार्ड बन चुका है। अब इसे आप डाउनलोड करवा सकते हैं। फिर एक और हम आपको दिखाते हैं कि जो आधार कार्ड नहीं बना है उसमें क्या लेके आता है। फिर हम माई आधार में चले आए, फिर चेक माई आधार में, फिर चेक आधार स्टेटस क्लिक किए तो नीचे एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है। फिर हम इनरोलमेंट आईडी भरेंगे। इसमें इनरोलमेंट आईडी, इसमें जो आपको पर्ची पर दिया गया है वही डालना है। जैसे कि हम डाल रहे हैं और यहाँ पर कैप्चर कोड भरेंगे। फिर हम जो है चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा नेट स्लो है, अभी रिजल्ट आ जाएगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट हैड बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनकरेक्ट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट दिया था, जो एड्रेस प्रूफ दिया था, जो डॉक्यूमेंट लगाया था, वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो गया है, इसीलिए जो है एज रिजेक्ट करके ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। तब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाए।